देखिए बस 2011 में PLFI के उग्रवादियों ने मेरे घर पर पर्चा देख करके 10 लाख रुपया की रंगदारी मांगा था लोगों ने, उस पर केस हुआ और उस केस में PLFI के 8 से 10 उग्रवादी गिरफ्तार हुए थे। काफ़ी गोली, बंदूक, लेटर पेड वगैरह बरामद हुआ था और इस केस में जितने भी गवाह थे, जो स्वतंत्र गवाह थे, उन गवाहों को धमका करके, और जो मेरे गवाह थे वो तो बिल्कुल गवाही दिए ही दिए, गवाही के बाद इनको नीचे कोर्ट से रिहाई मिल गई। इसके खिलाफ़ हम लोगों ने हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट जाने के बाद जो है हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट में सुनवाई के पश्चात जो है नीचे कोर्ट को भेज दिया गया है और नीचे कोर्ट में जो इसका ट्रायल चल रहा है। हर डेट पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरे सुरक्षा में फोर्स आए हुए हैं, वो लोग हर डेट में मेरे को यहाँ पर लेकर के आते हैं और कोर्ट में गवाही होती है, कोर्ट में कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है मुझे ये लोग घर वापस जो है भेज दिया जाता है, मुझे पहुँचा देते हैं। सवाल ये उठता है कि आज झारखंड में किस तरह से जो है उग्रवादी संगठन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है, ले भी मांगा जा रहा है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वर्तमान जो SSP हैं उनके दिशा निर्देश पर कार्रवाई हो रही है और पूरा ये रांची जिला जो है झारखंड की राजधानी है, यहाँ का मैसेज तो पूरे जिला में ही जा रहा है, साथ साथ जो है वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्रवाई से दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। अभी हाल में देखा होगा आप लोगों ने अखबार के माध्यम से, बगल में रातू थाना के एक जो है कमरुल हक हैं, उनको भी 50 लाख रुपया की रंगदारी मांगी गई है और वो बेचारा आज परेशान हाल है। आज भी उनको वीडियो कॉल के मार्फत से उनसे जो है 50 लाख रुपया का मांगा गया है, जब उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूं तो कहा गया कि ठीक है 50 लाख रुपया अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 20 लाख रुपया आप दे दीजिए। तो इस तरह से जो घटनाएं घट रही है, लोगों को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, अब रांची की जनता जो है जाग चुकी है, जितने भी उग्रवादी संगठन हैं इनको जवाब देने के लिए तत्पर हो चुका है, रांची की जनता यूनाइट हो चुकी है। पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ करके इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है, जेल में भी ये लोग जो है रंगदारी मांगते हैं, जेल से भी रंगदारी कलेक्शन करते हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब अब रांची की जनता जगी है ना तो पुलिस पकड़ करके इनको तो जेल भेजती है, रांची की जनता इनको सीधे ऊपर भेज देगी। अब इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए रांची की जनता तैयार है, जितने लोगों से जो है रंगदारी मांगा जा रहा है सभी लोग यूनाइट हो चुके हैं और यूनाइट होकर के इनको जो है जवाब देने के लिए तैयार है। जो लोग जो है फ़ोन के माध्यम से या पर्चा के माध्यम से जो लोग रंगदारी मांगते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप सामाजिक ज़िंदगी जिए, आप जो है इसकी सामान्य ज़िंदगी जीने का प्रयास करें, और अगर सामान्य ज़िंदगी अगर आप नहीं जीते हैं तो पुलिस क्या, जनता भी आप पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी भी वो लोग जो है सतर्क हो जाएं, लाइन पर आ जाएं, नहीं तो जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी हाल में रांची की जनता अभी इनको छोड़ने वाली नहीं है, जनता जवाब देगी और ठोस जवाब देगी, और मैं तो कहता हूं कि पुलिस इनको पकड़ करके जेल भेजती है, आम जनता इनको सीधे ऊपर भेजने का काम करेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मैं उन संगठनों से कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाएं, सामान्य ज़िंदगी जिए, और नहीं तो आप भी भुगतने के लिए तैयार रहें। ये जो मामला हुआ था सर आपके साथ में, ये कब का मामला है? ये बस 2011 का मामला है। 2011 में इन लोगों ने मेरे घर में PLFI के उग्रवादियों ने पर्चा सांट करके मुझसे रंगदारी मांगा था और उसी पर ये कार्रवाई चल रही है। अभी सभी अभियुक्त कोर्ट में है और कोर्ट को जो है वो लोग भी आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ, और ये रंगदारी के खिलाफ मेरा मुहिम चलते रहेगा। इस पर प्रशासन क्या सहयोग कर रही है सर? प्रशासन कैसे देख रहे हैं, मेरे साथ में जैसे कि 4-4, 5-5 जैसे कि सुरक्षा है, इन लोगों ने जो सुरक्षा दिया, और मैं कहना ये चाहता हूँ कि वर्तमान जो SSP है रांची के, उनके नेतृत्व में पूरे जो झारखंड ही नहीं दूसरे राज्य में एक मैसेज जा रहा है कि यार उनको ये कहना है कि अगर सुधरना है तो सुधर जाओ, हम अच्छे के लिए अच्छे हैं और बुरे के लिए बुरे भी हैं। और वरीय पुलिस अधीक्षक का मैं जो आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरह से रांची को शांति स्थापित करने में उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ी योगदान है।